प्रदेश के ग्वालियर शहर में थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत महाराज बाड़े पर फंड लगाने वाली महिला ने थाना कोतवाली के एक सिपाही पर मारपीट का आरोप लगाया है। 19 वीओ प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीती रात्रि के समय तकरीबन 8 बजे महाराज बाड़े पर फड़ लगाई बैठी महिला से एक पुलिसकर्मी ने अभद्र भाषा से बात की। उसके बाद रोड से गुजर रहे एक स्वयंसेवी कार्यकर्ता ने झगड़े का कारण पूछा तो उसके साथ भी पुलिसकर्मी ने धक्का मुक्की कर दी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया और इसके बाद अन्य फड़ लगाने वाली महिला भी पुलिस चौकी पर पहुंच गई और पुलिस द्वारा इस घटना का विरोध करने लगी। साथ ही में स्वयंसेवी कार्यकर्ता के बाद समीक्षा गुप्ता फैंस क्लब के सदस्य भानु भी मौके पर पहुंचे। महिला का आरोप है कि मैं अपने फड़ लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर करती हूं। मैं खाना खा रही थी और तभी कोतवाली थाने से पुलिसकर्मी उसके पास आए और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए लात मारने का आरोप लगाया। स्वयंसेवी कार्यकर्ता का कहना है कि मैं रोड से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि पुलिसकर्मियों और महिला से विवाद चल रहा है और जिसकी मैंने जानकारी लेने की कोशिश की तो कुछ पुलिसकर्मियों ने मेरे साथ भी धक्का मुक्की कर दी, जिसकी शिकायत मैंने थाना प्रभारी कोतवाली पुलिस से की है और कहा है कि महिलाओं पर इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। सर, किस तरह की यह घटना हुई? महिला ने उत्पाद द्वारा मचा रही थी। माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के आदेश हैं, बाड़े पर कोई भी पक्षपाती बैठेंगे नहीं, अतिक्रमण नहीं होगा। उसको जनवर से इस जगह कम से कम 5-7 दिनों से रोज हटाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस वालों ने बोला होगा उनके लिए महिला के लिए, तो महिला का उनका ये कहना है कि हमारे साथ बदतमीजी की है पुलिस वालों ने और जो है हम खाना खा रहे थे और हमें भगाया, हमारे साथ बदतमीजी की, ये आरोप है। एक जांच करवा दें। महिला का आरोप है किसी पुलिस वाले व्यक्ति ने मारपीट वगैरह किया है। कौन है वो पुलिस वाला, क्या नाम? पुलिस वाले का पता कर रहे हैं, वो सिविल में बता रहे हैं, वो सिविल वाला था। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यकर्ता ने भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसके ऊपर भी हाथ उठाया। उनके संग उनका भी कहना है कि हमारे साथ भी बदतमीजी की गई है और उनकी दोनों की पता करके कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा है। क्या घटना घटी आपके साथ में? अभी नाम बचा रहे हो आप? दुकान लगाई थी, अपना ठेला लेके आ रही थी तो वहाँ पे भंडारा बढ़ रहा था मंदिर पे, तो मैं भंडारा लेके वहाँ पे खाना खाने बैठ गई तो जो बोले पुलिस वाले, मैंने की बाबूजी मैं खाना खा रही हूँ, मैं 2 मिनट तक रुक जाओ, तो वो बोला नहीं तुम तो रंडी हो, उठो यहाँ से, तुम्हारी जैसी बदमाश लगाई कोई नहीं आती, तुम 10 बार आते हैं 10 बार भगाते तुम तो आ जाते हो, फिर भी वेस्ट्रम बन गए। तो मैंने की बाबूजी खाना खा लेंगे और अभी हम जा रहे हैं, तो उसने कुछ नहीं करी, अब तक मेरे में लात मारी, मेरे से बोला ला 500 रुपए तो दे मेरे को, तब तेरे को ठेला लगा। कौन पुलिस वाला है वो, कहाँ पर है वो? जाए पे रही था चौकी पे। आप फिर बेचारा जी भैया बोला दूसरा कि क्या बाबू जी उसको क्या वो कर रहे हो, परेशान बोले जी, परेशान क्या कर रहे हैं उनको, जो बोले कि मैं बोला खाना खा लेंगे, तो वो क्या बोला, अरे माधव जो तेरी संगदारी कर रहा है तेरे को, देखो तो उसमें यह को मारा, उसमें चाटे मारे मारे उसको पुलिस चौकी में ले आए हुए। अब चौकी में ला, अब आपने क्या कह रहे हैं थाना प्रभारी, क्या कह रहे हैं सामने? हमने नहीं, हम तो रिपोर्ट करेंगे, तो वे कह रहे अभी रिपोर्ट किन करा बेटा, मैंने रपा दपा कैसे कर ले आप, आप हमने लात भी दे सकते हो, हम रपा दपा कर सकते, क्या बात कर, हम यहाँ पर यार कटाना चाहते हैं। भाई यार आपकी गाड़ी जा रही है? नहीं गाड़ी जा रही, नहीं गाड़ी जा रही, और मेरे को गैर चमार को नहीं बोला, कह रहा चमरिया झाली आती है बार बार ठेले। क्या नाम है और क्या घटना घटी आपके साथ में, जैसा कि भी आप हंगामा हो चुका है? जी मैं अंकित सोनी, मैं कालानी मंडल भाजपा सदस्य अध्यक्ष हूँ, जो कि मेरे द्वारा में यहाँ पर खड़ा हुआ था बाड़े हनुमान जी के मंदिर के पास, तो एक ये महिला है जिस बेचारी खाना खा रही थी, तो बेचारी गरीब है, अपना मतलब जीवन यहाँ पर ठेला लगा के मजदूरी करके बेचारी कर रही हैं, तो इस प्रकार से जो पहुँचने वाले जो सफाई रूप में थे वो आए और गाली गलौज करने लगे, उनको गाली गलौज करने लगे, हाथ पैर मतलब ऐसे करने लगे, तो मैंने उनको वही बोला कि मेरे भाई साहब अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो अपना ये दायित्व नहीं बनता, या पर उसको इस तरीके से बोला कि तुम बेशरम मारा, इस चीज़ की गलत अभद्रता उसको मतलब वो बोला, और फिर उसको इस तरीके से बोला, तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब इस तरीके से बात करना आपको उचित नहीं है, आप इस तो फिर उन्हें ना क्यों कौन ये वो, तो उन्होंने मेरे को पकड़ा तो वहाँ से मुझे हाथ सफाई करते हुए मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। कौन व्यक्ति है वो, क्या कौन व्यक्ति है? नाम तो मुझे याद नहीं आया, पता नहीं क्या, लेकिन सवाल मेरे पास एक वीडियो बनाई मेरी द्वारा जो है नहीं अभी इसके अभी यहाँ पे नहीं है, ये तो पुलिस वाले जो थाना लगता है अपने बाड़े का, क्या नाम, गुजरात कोतवाली, जिन लोगों द्वारा छुपाया जा रहा है उसको, उस व्यक्ति को, और मेरी यही मांग है कि उसको तत्काल व्यक्ति कौन था जैसा कि आप बता रहे हो व्यक्ति पुलिस में है? मेरे अंदाजे में सिपाही है या दरोगा होंगे, क्या नाम है, दीवान वगैरह।
उनने आपके ऊपर हाथ उठाया जी बिल्कुल, उनने ना संघ को गाली बकते हुए ये बोला कि मेरा एक एक्चुअली निवेदन है। आप अभी थाना प्रभारी का क्या कहना है इस मामले? थाना प्रभारी ये कह रहे हैं कि मैं उन माफी मांगता हूँ, ये चीजें करता हूँ और समझा देंगे, तो इस प्रकार से तो आगे कुछ चलता नहीं है। आप जानते जैसा कि महिला के ऊपर अत्याचार हुआ और आपने बचाया, तो किस तरह क्या लग रहा है आपको महिला के ऊपर इस तरह का अत्याचार से क्या कहना चाहोगे? भाई साहब आप भी जानते हैं क्या नाम है, वो तो सब बोल देते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन ये बताइए अपन जब जानते हैं महिला को सशक्तिकरण के लिए सीधी बातें करते हैं, देश में इतनी मतलब प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी मतलब जो महिलाओं के लिए इतनी गैस चूल्हा वगैरह आदि इस सब चीज़ों के लिए भवन के लिए इतनी चीज़ों में जोर दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं उनको, और मतलब इन्हीं के लिए इनको पुलिस प्रशासन मतलब मारता है मध्य प्रदेश का। इसलिए मेरे तो शिवराज सिंह चौहान जी और क्या नाम है माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी और नरसिंह मिश्रा जी से यही अपील है कि तत्काल प्रभाव से उनको। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।